नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज आपके आगे जीएस पेपर 1 का पॉइंट नंबर 7 जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं, इसका पार्ट 3 मैं लेकर आई हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही हो चुका है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हम लोग UPSC मेंस 2018 की तैयारी कर रहे हैं, प्लस ये UPSC वालों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि UPPSC वालों के लिए, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। और हमने UPPSC और UPSC दोनों के सिलेबस का कंपैरिजन भी आपको एक वीडियो में दिखाया था। तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो UPSC और UPPSC में सेम है, बट UPPSC में UPSC से बहुत वास्ट सिलेबस है, ज़्यादा सिलेबस है। तो इसलिए जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के अपनी प्रॉपर तैयारी आगे बढ़ सकते हैं। तो UPPSC मेंस 2018 में मैं GS पेपर 1, GS पेपर 4 जो कि एथिक्स का पेपर है, हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसने चूज़ किया है, और प्लस उसमें जो GS 1 के टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ कवर करा रही हूँ, और सोशियोलॉजी जल्द ही क्लासेस हम शुरू करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे इस चैनल पे चल रही हैं, तो होप आपको ये चीज़ पसंद आएगी। हम लोग आगे चलते हैं, पार्ट 3 इसका कंप्लीट करते हैं। पार्ट 2 हो चुका है, तो ये आप हमें देख सकते हैं हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी वीडियोज़। ये जो महिलाओं और महिला संगठनों की समाज में भूमिका, ये टॉपिक है जो इसमें, ये वाला टॉपिक ये मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ GS पेपर 1 में, तो ये भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट, जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं, ये हम लोग कर रहे हैं, इसका पार्ट 2 पहले आ चुका है, ये पार्ट 3 है, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने ये सब टॉपिक्स डिवाइड किए थे, विशेषताएं, वितरण को प्रभावित करने वाले कारण, परिणाम, सुझाव, सरकारी नीतियां और जनसंख्या नीति 2000। तो सुझाव तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। हमारे पास अब ये दो टॉपिक रह गया है, सरकारी नीतियां और जनसंख्या नीति 2000। तो ये दो टॉपिक हमारे बच गए हैं, इसको कंप्लीट करते हैं आगे। विशेषताओं में हमने इसकी 6 विशेषताएं देखी थी, आप रिवाइज कर लीजिएगा। वृद्धि के परिणाम में हमने ये परिणाम देखे थे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो जो कारक होते हैं ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने सुझाव देखे थे कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक्चुअली हम लोग क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, और सरकार ने जो जो कदम उठाए हैं वो मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ, कि सरकार ने ऐसी क्या क्या नीतियाँ बनाई हैं, ऐसे क्या क्या कदम उठाए हैं जिसके द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है, उसकी रोकथाम की जा सकती है। भारत जैसे जो हमारा विकासशील देश है, वहाँ जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या, आप लोगों को भी पता है कि आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर इसका बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अगर जनसंख्या लिमिट से ज़्यादा हो। तो मूलभूत आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है वो सभी तक नहीं पहुँच पाती, उसमें बाधा उत्पन्न होती है अगर जनसंख्या ज़रूरत से ज़्यादा हो। तो जनसंख्या नियंत्रण हेतु सरकार बहुत पहले से सक्रिय है, जब से आज़ादी मिली उसके बाद से ही सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ऐसी बनाई जो जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम में बहुत ज़्यादा सहायक है। आज भी उस योजनाओं को फॉलो किया जा रहा है, उसको उसी तरीके से सरकार द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कई ऐसी योजनाएँ हैं जो सरकार ने बनाई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परिवार नियोजन योजना या कार्यक्रम, ये बनाया गया था 1952 में। जनसंख्या के नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाया था। इसको आप एक टॉपिक टाइटल के अकॉर्डिंग करेंगे और डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप डिस्क्रिप्शन इसका लिखेंगे। ये जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम है, इसे लागू करने वाला भारत पूरे विश्व का एक पहला देश था जिसने परिवार नियोजन के ऊपर कार्यक्रम लॉन्च किया था या लागू किया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था जन्म दर को उस सीमा तक कम करना जिसमें जनसंख्या को अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप स्थापित किया जा सके, मतलब कि जनसंख्या को स्थिर करना काफी हद तक, जहां तक हम लोग अपनी सुविधाओं की पहुंच लोगों तक पहुंचा सके। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक, नेक्स्ट जो सरकार द्वारा उठाया गया कदम था वो था
स्वेच्छापूर्ण नसबंदी 1956 में किया गया था। देश भर में लगभग 1469 परिवार नियोजन केंद्रों की स्थापना की गई थी इसके लिए, मतलब कि जो इंसान नसबंदी करवाना चाहता था वह स्वेच्छापूर्ण यहाँ पर आकर, केंद्रों पर आकर, जो इतने केंद्र स्थापित किए गए थे उस पर नसबंदी करवा सकता था। नेक्स्ट सरकार ने प्रावधान किया था, एक नारा सरकार ने दिया था, हम दो हमारे दो, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ रही थी, तो इसके लिए सरकार ने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, हम दो हमारे दो। ये कॉन्सेप्ट 1985 और 90 के बीच में लाया गया था। इसमें क्या था कि लोगों को ऐसी मतलब जागरूकता फैलाना, उन लोगों के अंदर ऐसा देश के प्रति रुझान देना कि लोग जनसंख्या नियंत्रण में सरकार की सहायता कर सकें। इसमें और नेक्स्ट इसमें था गर्म निरोधक उपाय। ये जो हम दो हमारे दो का नारा दिया गया था, ये स्वेच्छापूर्ण नसबंदी का प्रावधान किया था, यही है गर्म निरोधक उपाय, जो कि सरकार ने कई ऐसे केंद्र बनाए थे जहां लोगों को जागरूक किया जा सके और वहां लोग ऐसे उपाय अपना सके जिससे गर्म निरोधक चीज़ों को अपनाया जा सके और इसके बारे में लोगों को जागरूक भी किया जा सके। जो प्रजनन आयु वर्ग के लोग होते थे तो उनके अंदर ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा सके, सरकार ने ऐसी बहुत सारी व्यवस्था की थी। नेक्स्ट है जनसंख्या संबंधी शिक्षा। तो सरकार ने प्राथमिक स्तर पर 11 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं उनको जनसंख्या संबंधी शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया। ये आज भी कई स्कूलों में चल रहा है, सेक्स एजुकेशन के तौर पे एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। तो जनसंख्या संबंधी शिक्षा सरकार ने ऐसे की कि हम अगर अपनी प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षित करेंगे तो आगे का आने वाला समाज ऑब्वियसली अपने आप शिक्षित हो जाएगा। नेक्स्ट सरकार ने कई नीतियां बनाई है जनसंख्या संबंधी। जो पहली नीति बनाई गई थी वो 1976 में बनाई गई थी, जनसंख्या नीति 1976 में पहली नीति बनाई गई थी। फिर उसको ही आगे बढ़ा के उसको और मॉडिफाई करके 2000 में जनसंख्या नीति बनाई गई दूसरी। तो ये दूसरी जनसंख्या नीति, इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जनसंख्या नीति 2000 के बारे में विस्तार से समझाइए। ये जनसंख्या नीति 2000 में आप और क्या सुझाव जोड़ सकते हैं, कोई भी एनालिटिक क्वेश्चन आ सकता है या फिर आपको खुद ही उसे अप्लाई करना होगा, या थ्योरेटिकल ऐसे आ सकता है कि जनसंख्या नीति के उद्देश्य बताइए, या फिर जनसंख्या नीति में कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। जनसंख्या नीति 2000 में 14 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, हम इस पर भी बात करेंगे कि कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो आज हमने किया सरकारी नीतियाँ, अब ये मैंने ओनली 6 सरकारी नीतियाँ आपको बताई हैं। इसके अलावा बहुत सी सरकार ने ऐसी नीतियाँ बनाई हैं जो कि मैं यहाँ पर नहीं दिया है मैंने, जैसे कि 70 के दशक में जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखी गई थी, सरकार ने अपनी पुरानी नीति औषधि उपगम के साथ शिक्षा उपागम पर विशेष ध्यान दिया था। मतलब कि ये जो गर्म निरोधक उपाय हैं और स्वेच्छापूर्ण नसबंदी है, इन सब के अलावा सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था कि लोगों में जन जागरूकता फैलेगी तभी वो लोग ये उपाय अपना पाएंगे। इसके अंतर्गत सीमित परिवार हेतु लोगों को जागरूक करना और इसके लाभ से अवगत कराना, इसके साथ ही परिवार नियोजन की सेवाओं का देश में विस्तार करना, विवाह हेतु उम्र सीमा बढ़ाने हेतु लोगों को जागरूक करना, स्त्री शिक्षा व रोजगार पर बल देना, ये सब इसमें शामिल था। और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता का भी प्रावधान सरकार ने कई जगह किया था, अपने लेवल पे उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। सरकार ने मलिन बस्तियों में परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु विशेष रूप से प्रचार प्रसार किया था, क्योंकि जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिन लोगों के पास जागरूकता नहीं होती, वो ही जनसंख्या वृद्धि में ज़्यादा भागीदारी देते हैं। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारकों की भी पहचान की गई थी तथा परिवार नियोजन हेतु प्रसार के विभिन्न विधियों को खोजने का भी प्रयास यहाँ पर किया गया था। तो ये कुछ थी जो मैंने वर्बली आपको समझा दी हैं, ये कुछ और नीतियाँ। इसके अलावा भी और जो भी नीतियाँ हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि और क्या क्या नीतियाँ सरकार ने किया था, और आप लोग और इसमें इस आंसर में और अपनी तरफ से क्या ऐड कर सकते हैं। तो आज हमने पूरी नीतियाँ की सरकार की, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि जनसंख्या नीति 2000 में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या उद्देश्य थे उसके, और उसके 14 लक्ष्य कौन कौन से थे, पहली नीति के बाद दूसरी नीति में क्या मॉडिफिकेशन किया गया,
इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले लेक्चर में हम आपके साथ करेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।